इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका के फोर्थ ओडीआई मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। यहां पर आप सभी को मैच टाइमिंग देखने को मिलेगी 4:30 PM, वेन्यू रहने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन। देखेंगे इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड फुल स्टेट्स, रिकॉर्ड्स एंड एनालिसिस, जिससे कि आप सभी को अपनी एक स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग टीम्स कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। डिस्कस करने वाले हम सभी इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, यहां पर आप सभी देखोगे सारे रिकॉर्ड्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, प्लेयर्स के सभी रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड, वेन्यू, ओडीआई में प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस, फर्स्ट 3 ओडीआई मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर प्लेयर बैटल मैचअप्स, जिससे आप सभी को अपनी स्मॉल लीग्स एंड ग्रैंड लीग टीम्स क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी हमारी फाइनल स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग टीम्स के लिए आप सभी को ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जिसकी लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। साथ ही गाइस, इफ यू आर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। साथ ही गाइस, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, सो दैट इन फ्यूचर आने वाली जो भी वीडियोस एंड लाइव सेशंस की अपडेट्स रहेगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले यहां पर आप तक पहुंच जाएगा। बात करेंगे फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पर वेन्यू रहने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक, प्लस आप देखोगे यहां पर ना हाई स्कोरिंग मैचेस आपको दिखेंगे, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। प्लस आप देखोगे एक्स्ट्रा एडवांटेज टू बेसर्स, स्विंग मूवमेंट फॉर पेसर्स इन इनिशियल ओवर्स, स्टार्टिंग ओवर्स में आप देखोगे यहां पर पेसर्स को भी स्विंग मूवमेंट मिलती है। टीम बैटिंग फर्स्ट हैज बेटर रिकॉर्ड्स, मतलब आप देखोगे यहां पर कि जो टीम यहां पर फर्स्ट बैट करने आती है एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, बिकॉज चेज करना यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप देखोगे यहां पर फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग स्कोर कंपैरिजन हम लोग करते हैं, तो जो रिसेंट मैच यहां पर खेला गया 261 रन बनाए फर्स्ट बैट करते हुए टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर, यहां पर ये मैच चेज हो जाता है 265 रन। उसके बाद आप देखोगे यहां पर ये मैच चेज नहीं होता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से मैच यहां पर चेज नहीं हुए थे। सो यहां पर लास्ट 6 मैचेस में से 4 मैचेस टीम बैटिंग फर्स्ट ने यहां पर विन किए हैं, 296 यहां पर स्कोर बना पूरे 10 विकेट के नुकसान पर, 273 यहां पर टीम चेज नहीं कर पाई, और ये वाला मैच यहां पर टीम चेज नहीं कर पाई थी 271 सेकंड इनिंग में 233। ये वाला मैच जरूर यहां पर हाई स्कोरिंग मैच था, प्लस चेज भी हो गया था। ये मैच भी बहुत हाई स्कोरिंग मैच, लेकिन चेज नहीं हुआ। ये मैच भी यहां पर चेज नहीं हुआ था, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। आगे हम लोग यहां पर जब ओडीआई स्टैटिस्टिक्स इस वेन्यू पर देखेंगे तो सारी चीजें आप सभी को यहां पर क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने आप सभी से स्टार्टिंग में ही बोला। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा वॉच करना है, जिससे कि आप सभी को यहां से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। स्पेशली आप सभी इस मैच में ग्रैंड लीग्स एंड मिनी ग्रैंड लीग्स के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन यहां पर क्रिएट कर सकते हो। साउथ अफ्रीका टीम ने इस वेन्यू पर 12 मैचेस प्ले किए हैं, 7 मैचेस टीम ने यहां पर विन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1 मैच यहां पर प्ले किया है, अपना पहला मैच टीम यहां पर विन नहीं कर पाई थी। जैसा मैंने बताया इस वेन्यू पर खेले गए लास्ट 6 मैचेस में से 4 मैचेस यहां पर बैटिंग फर्स्ट टीम ने विन किए हैं। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के रिकॉर्ड्स यहां पर देखोगे, पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पिनर्स के कंपैरिजन में। लास्ट 9 मैचेस के रिकॉर्ड्स हम देखेंगे यहां पर, तो पेसर्स ने निकाली हुई है 98 विकेट्स, वहीं पर स्पिनर्स को मिली है 38 विकेट्स। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को है 44 विकेट्स, सेकंड इनिंग में है 54 विकेट्स। अब आप क्लियरली देखोगे सेकंड इनिंग्स में पेसर्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके चलते यहां पर टारगेट को चेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में भी 19 विकेट्स है, सेकंड इनिंग में भी 19 विकेट्स। राइट आर्म फास्ट पेसर 81 विकेट्स, लेफ्ट आर्म फास्ट पेसर 17 विकेट्स। राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर्स को यहां पर 7 विकेट मिली हुई है, लेग ब्रेक स्पिनर्स ने 8 विकेट निकाली है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे केशव महाराज आप सभी को दिखेंगे यहां पर साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से, एंड ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एस्टन अगार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं। सो अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन में यहां पर 4 विकेट्स निकाली हुई है। लास्ट मैच जो इस वेन्यू पर खेला गया था 9 विकेट्स पेसर्स की थी एंड 4 विकेट्स वहां पर स्पिनर्स की थी। हेड टू हेड दोनों ही टीम से 2018 से 2023 के बीच में 8 मैचेस प्ले किए हैं, 5 मैचेस साउथ अफ्रीका टीम ने विन किए हैं, 2 मैचेस यहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने विन किए हैं, 1 मैच यहां पर अबेंडन रहा। अब डिस्कस करेंगे ओडीआई स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो ओवरऑल यहां पर टोटल 56 मैचेस वनडे इंटरनेशनल के इस वेन्यू पर खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 24 मैचेस विन किए हैं, चेज करते हुए टीम्स ने 32 मैचेस वेन्यू पर विन किए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 247 के आसपास रहेगा। स्कोरिंग पैटर्न बिलो 200 12 टाइम्स स्कोर रहा है, स्कोर बिटवीन 200 249 17 टाइम्स यहां पर स्कोर रहा, 250 से 299 11 टाइम्स स्कोर रहा, एंड अबव 300 भी इस वेन्यू पर 56 में से 16 टाइम्स यहां पर अबव 300 यहां पर स्कोर रहा। सो जैसा मैंने बताया एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, एंड दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट मैच में आप देखोगे यहां पर साउथ अफ्रीका टीम ने फर्स्ट बैट करते हुए 338 रन वहां पर स्कोर किए थे, वहां पर आप देखोगे एडन मार्कम के नॉट आउट 102 रन थे। चेस करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम 227 रन पर ऑल आउट हो जाती है।
उससे पहले वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम फर्स्ट बैट करती है एंड उन्होंने वहां पर 392 रन स्कोर किए थे फर्स्ट इनिंग में बैट करते हुए। तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्वालिटी साइड है दोनों ही टीम। सो अगेन आप सभी को एक और हाई स्कोरिंग गेम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 3 ODI मैचेस प्ले किए हैं, 2 मैचेस टीम ने विन किए हैं। फर्स्ट 2 ODIs यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने विन किए थे और जो रिसेंट गेम है यहाँ पर कमबैक करते हुए साउथ अफ्रीका टीम ने यहाँ पर विन किया है। एक मैच यहाँ पर टीम विन नहीं कर पाई है जो कि रिसेंट गेम था। ओपन करेंगे डेविड वार्नर। आप देखोगे फर्स्ट मैच के बाद यहाँ पर इन्होंने दोनों ही मैचेस में बहुत अच्छा कमबैक किया है। फर्स्ट मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए थे, सेकंड मैच में 106 रन, उसके बाद यहाँ पर 78 रन इन्होंने स्कोर किया। हेड टू हेड 26 मैचेस में 1100 प्लस रन से 46 के एवरेज से काफी अच्छे रिकॉर्ड्स है। वेन्यू पर 2 मैचेस प्ले किए हैं 60 रन से, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड्स आप लोग यहाँ पर करियर रिकॉर्ड्स यहाँ से देख सकते हो। ट्रेविस हेड तीनों ही मैचेस में बहुत अच्छे टच में नजर आए, प्लस रिसेंटली आप देखोगे बॉलिंग भी करा रहे हैं, सो एक और इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। साथ ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप सभी देख करके चल सकते हो। हेड टू हेड 11 मैचेस में 289 रन से 26 के एवरेज से प्लस 3 विकेट। वेन्यू पर एक मैच इन्होंने प्ले किया है 18 रन से, प्लस वहां पर विकेट लेस थे। ओवरऑल रिकॉर्ड्स देखोगे करियर एवरेज 40 करा है ODIs में। फर्स्ट मैच में सीरीज में 33, सेकंड मैच में 64, प्लस 4 ओवर की बॉलिंग विकेट लेस थे वहां पर। रिसेंट गेम में 38 रन से स्कोर किए, प्लस कंप्लीट 10 ओवर्स की बॉलिंग, वहां पर 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली थी। मिचेल मार्श राइट हैंड बैट्समैन हेड टू हेड 21 मैचेस में 510 रन से। वेन्यू पर यहां पर सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन के ऊपर 2 मैचेस प्ले किए हैं 39 रन प्लस 1 विकेट। अभी रिसेंटली बॉलिंग नहीं करा रहे हैं एंड लास्ट मैच में मैंने आप सभी को बोला था यहाँ से आप सभी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। एंड लास्ट मैच में आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लॉप थे, 29 रन से उन्होंने स्कोर किए थे, बिकॉज अब आप देखोगे रिसेंटली बॉलिंग नहीं करा रहे हैं एंड ODI एक बड़ा फॉर्मेट है। बाकी आप देखोगे सो T20Is में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 92 रन नॉट आउट, 79 रन नॉट आउट एंड 15 रन। उसके बाद फर्स्ट ODI मैच में 17 रन, फिर सेकंड ODI मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए थे और रिसेंट गेम में यहाँ पर 29 रन इन्होंने स्कोर किए। मानस लबुशेन एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर लास्ट मैच में यहाँ पर सिर्फ 15 रन से स्कोर कर पाए थे, बिकॉज वो एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो गया था टीम के ऊपर चेस करते हुए। फर्स्ट बैट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। हेड टू हेड 6 मैचेस में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है, 73 के एवरेज से 368 रन इन्होंने स्कोर किए प्लस 3 विकेट्स है। वेन्यू पर फर्स्ट टाइम प्ले करेंगे, सीरीज का फर्स्ट मैच में 80 रन नॉट आउट स्कोर किए, सेकंड मैच में 124 रन प्लस 3 ओवर की बॉलिंग विकेट लेस थे और थर्ड मैच में यहाँ पर 15 रन इन्होंने स्कोर किए। एलेक्स कैरी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, इग्नोर करके चलना स्मॉल लीग्स में। मार्कस टोनिस एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं हेड टू हेड, जिनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, 6 मैचेस में 11 विकेट्स प्लस 128 रन। फर्स्ट ODI मैच में 17 रन प्लस 2 विकेट, सेकंड मैच इन्होंने खेला नहीं था, थर्ड मैच में 10 रन स्कोर किए प्लस कंप्लीट 10 ओवर्स की बॉलिंग, 1 विकेट वहां पर निकाली थी। टिम डेविड 1 रन 1 रन एंड 8 रन कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया है। सीन अबाउट के बारे में बात करेंगे तो सीन अबाउट का आप देखोगे लास्ट मैच में सिर्फ 3 ओवर की बॉलिंग की थी इन्होंने विकेट लेस थे, उससे पहले वाले दोनों ही मैचेस में 8 ओवर्स की बॉलिंग प्लस 2 विकेट्स, 9 ओवर्स की बॉलिंग प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड 3 मैचेस में 3 विकेट्स है, वेन्यू पर फर्स्ट टाइम प्ले करेंगे। नाथन एलिस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे, हेड टू हेड 2 मैचेस में 3 विकेट्स है एंड स्पेशली इस वेन्यू पर क्या होता है आपने देखा स्टार्टिंग में, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट इनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेसर सेकंड इनिंग में होते हैं, तो स्पेशली नाथन एलिस को ये पिच सूट कर सकते हैं। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए आप सभी को क्या करना है, ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ एंड स्पेशली नाथन एलिस अगर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कराते हैं तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, 2 से 3 विकेट यहां पर इस मैच में लेकर के जा सकते हैं। हेड टू हेड 2 मैचेस में 3 विकेट्स है, तनवीर संगर है लास्ट मैच में प्ले किया 8 ओवर्स की बॉलिंग की, 1 विकेट वहां पर निकाली। जोस हेजलवुड लास्ट मैच में विकेट लेस थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, हेड टू हेड 13 मैचेस में 23 विकेट्स, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है लेकिन लास्ट मैच में विकेट लेस थे, 9 ओवर्स की बॉलिंग की थी प्लस विथ बैट यहां पर 12 रन नॉट आउट स्कोर किए थे। बेंच पे आपको देखेंगे एडम जंपर जो कि इस मैच में शायद प्ले कर सकते हैं, एरन हार्डी, जॉस इंग्लिस अगर प्ले करते हैं तो एक बिल्कुल ही डिफरेंशियल प्लेयर हो सकते हैं। एस्टन अगार भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को इस वेन्यू पर हेल्प है एंड साथ ही आपको कैमरन ग्रीन यहां पर दिखेंगे, स्पेंसर जॉनसन है। ओपन डेथ बॉलर सो जॉस हेजलवुड, मार्कस टोइनिस, सीन अबाउट एंड नाथन एलिस में से कोई एक स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करेगा, डेथ ओवर्स में मार्कस टोइनिस, जॉस हेजलवुड एंड नाथन एलिस। साथ ही सीन अबाउट भी आप सभी को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लास्ट मैच इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, सिर्फ 3 ओवर्स की बॉलिंग की थी। साउथ अफ्रीका टीम कमबैक करते हुए अपना लास्ट मैच विन करके आ रही है। ओपन करेंगे क्विंटन डीकॉक एंड लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बोला था स्टार्ट इन्हें अच्छा मिल रहा है, अपने स्टार्ट को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लस अगर साउथ अफ्रीका टीम को मैच विन करना है तो ओपनर्स को एक अच्छा स्टार्ट टीम को देना पड़ेगा एंड लास्ट मैच में आप देखोगे 82 रन क्विंटन डीकॉक ने वहां पर स्कोर किया। अगेन इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप सभी यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक करके चलना, स्पेशली टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बैट करते हैं तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो।
लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, हेड टू हेड 26 मैचेस में 837 रन से 34 के एवरेज से। अब मैंने क्यों बोला कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, बिकॉज इनके रिकॉर्ड्स इस वेन्यू पर बहुत अच्छे रहे, 11 मैचेस इस वेन्यू पर खेले हैं, समझते हैं इस वेन्यू को, 701 रन मतलब 11 मैचेस में 700 प्लस रन से प्लस 65 का एवरेज। फर्स्ट टू मैचेस में अच्छा स्टार्ट मिला, 11 रन एंड 45 रन एंड थर्ड ओडीआई मैच में 82 रन इन्होंने स्कोर किए। तैंबा बहुमा तीनों ही मैचेस में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करा, फर्स्ट मैच में 114 रन, सेकंड मैच में 46 एंड थर्ड मैच में 57 रन, लेकिन क्या इस मैच में परफॉर्मेंस करने के चांसेस हैं? अब बिकॉज रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, 114 रन नॉट आउट, 46 रन एंड 57 रन, लेकिन एक बार आप सभी इस वेन्यू पर रिकॉर्ड्स इनके देख सकते हो तो 4 मैचेस वेन्यू पर इन्होंने खेले हुए हैं, जस्ट 54 रन से स्कोर कर पाए हैं 13 के एवरेज से। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस मैच में कुछ टीम्स में तैंबा बहुमा को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, आप चाहो यहाँ से स्मॉल लीग टीम में भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हेंड्रिक्स ने लास्ट मैच प्ले किया था, 39 रन वहां पर स्कोर किए, हेड टू हेड 4 मैचेस प्ले किया, 107 रन से वेन्यू पर 3 मैचेस में 118 रन से। एडन मार्करम इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिकॉज लास्ट मैच में अपना 74 बॉल्स में शतक पूरा किया, 102 रन स्कोर किए थे, उससे पहले वाले मैचेस में आप देखोगे 3 रन प्लस 10 ओवर्स के बॉलिंग विकेट लेस थे, 19 रन प्लस 2 ओवर्स के बॉलिंग विकेट लेस थे, लेकिन अब यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिकॉज लास्ट मैच में अच्छा स्कोर किया, तो कॉन्फिडेंस के साथ बैट करेंगे, विथ बैट अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्लस कुछ ओवर्स की बॉलिंग करेंगे, अगर वहां से एक से दो विकेट निकाल लेते हैं तो ड्रीम 11 का पार्ट हो जाएंगे एंड उस केस में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक भी आप सभी की फैंटेसी टीम्स में हो सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे सामने ऑस्ट्रेलिया टीम में टॉप ऑर्डर से जो दोनों ही ओपनर्स हैं यहाँ पर लेफ्टी बैटिंग करते हैं, डेविड वार्नर हुए एंड ट्रेविस हेड, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करा सकते हैं। हेनरिक लार्सन लास्ट मैच में यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए थे, उससे पहले 49 एंड 14 रन, हेड टू हेड 9 मैचेस में 322 रन, काफी अच्छे रिकॉर्ड से वेन्यू पर, साधारण से रिकॉर्ड से 3 मैचेस में 27 रन। डेविड मिलर हेड टू हेड 24 मैचेस में 70 रन से 51 के एवरेज से, वेन्यू पर 13 मैचेस जो इन्होंने प्ले किए हैं 300 प्लस रन स्कोर किए 32 के एवरेज से, इस सीरीज में सिर्फ एक मैच जो इन्होंने सेकंड ओडीआई मैच प्ले किया वहां पर 49 रन से स्कोर किए, अदर टू मैचेस में यहां पर कंप्लीटली फ्लॉप थे। मार्को जेंसन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कहीं ना कहीं से आप सभी को पॉइंट्स देंगे, विथ बैट विथ बॉल यहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा तीनों ही मैचेस में, फर्स्ट मैच में 32 रन प्लस 1 विकेट, सेकंड मैच में 23 रन प्लस 1 विकेट एंड थर्ड ओडीआई मैच में 32 रन प्लस 3 ओवर की बॉलिंग वहां पर की थी विकेट लेस थे। सिसंदा मंगला और आइटा मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कगिसो रवाडा की फोटो यूज कर ली हमारे एडिटर ने, हेड टू हेड जिन्होंने एक मैच प्ले किया एक विकेट है वेन्यू पर, फर्स्ट टाइम प्ले करेंगे, ओडीआई में काफी अच्छे रिकॉर्ड्स इनके, 7 मैचेस जो इन्होंने प्ले किए हैं 15 विकेट्स निकाल चुके हैं, लास्ट मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की एक विकेट वहां पर निकाली, तबरेज शमसी का लास्ट टू मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन क्या इस मैच में यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे पेसर्स यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पिनर्स को बहुत कम हेल्प है। सेकंड ओडीआई मैच इन्होंने जो प्ले किया था 10 ओवर्स की बॉलिंग 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली थी, थर्ड ओडीआई मैच में भी 7 ओवर्स की बॉलिंग 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली थी। अब आप देखोगे ना क्लियरली यहाँ पर तो हेड टू हेड 7 मैचेस में 13 विकेट्स, लेकिन जैसा मैंने बताया वेन्यू पर बहुत कम हेल्प है स्पिनर्स को, वेन्यू पर इन्होंने भी 4 मैचेस खेले हुए सिर्फ एक विकेट यहाँ पर निकाल पाए हैं एंड इस मैच में सिलेक्शन भी आप सभी को बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा तबरेज शमसी का, लेकिन आप सभी को क्या करना है इस मैच में यहाँ पर ड्रॉप करके चलना है, बाकी अगर पिच रिपोर्ट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जेराल्ड क्वेटजी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हेड टू हेड 2 मैचेस में 6 विकेट्स निकाल चुके हैं, वेन्यू पर फर्स्ट टाइम प्ले करेंगे, सीरीज के फर्स्ट मैच में 7 ओवर्स की बॉलिंग 2 विकेट्स निकाली थी, सेकंड मैच इन्होंने भी मिस किया था एंड रिसेंट गेम में 7 ओवर्स की बॉलिंग 4 विकेट्स निकाली। कैसल महाराज इस मैच में हो सकते हैं बिकॉज वेन्यू पर जो स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हेल्प है यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को थोड़ा सा हेल्प करता है ये वेन्यू, हेड टू हेड 5 मैचेस में 4 विकेट्स है वेन्यू पर, 4 मैचेस में 6 विकेट्स है, लास्ट मैच में भी कंप्लीट 10 ओवर्स की बॉलिंग की 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स वहां पर निकाली थी। बेंच पे आपको दिखेंगे लुंगी एंगिडी, कगिसो रवाडा, हेनरिक नोर्स या रेसी वेंडरडुसन, खेल सकते हैं इस मैच में, वापसी कर सकते हैं बिकॉज वेन्यू पर काफी अच्छे रिकॉर्ड्स उनके रहे हैं एंड एक कमबैक वाली इनिंग्स चाहिए रहेगी, फर्स्ट मैच में 8 रन, सेकंड मैच में 17 रन, उससे पहले T20 में भी अच्छा नहीं कर पाए थे। डिवॉल्ट ब्रेविस है, वाइने पर्नल यहाँ पर रूल्ड आउट हो चुके हैं, ओपन डेथ बॉलर्स के बारे में बात करेंगे सो एडन मार्करम। अब जैसा मैंने बताया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपन करते हैं डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड, दोनों ही लेफ्टी बैट्समैन है, तो स्टार्टिंग ओवर्स में एडन मार्करम बॉलिंग करा सकते हैं, उन्हीं के साथ मार्को जॉनसन, सिसंदा मंगला एंड जेराल्ड क्वेटजी स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग 3-3 ओवर्स यहाँ पर मार्को जॉनसन एंड एडन मार्करम करने वाले हैं, ज्यादा ओवर्स भी कर सकते हैं, उसके बाद वाले जो ओवर्स रहने वाले हैं 7-8 ओवर्स वहां पर सिसंदा मंगला एंड जेराल्ड क्वेटजी यहाँ पर सेकंड स्पेल लेकर के आ सकते हैं। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे मार्को जॉनसन, जेराल्ड क्वेटजी एंड सिसंदा मंगला।
प्लेयर बैटल मैचअप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ट्रेविस हेड वर्सेस कगिसो रबाडा यहाँ पर प्ले नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रेविस हेड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। लुंगी एंगिडी भी प्ले नहीं कर रहे हैं, तबरेज हमसे काफी लेट बॉलिंग कराने आएंगे एंड उससे पहले यहाँ पर ये 50-60 रन स्कोर कर सकते हैं पावर प्ले का यूज करते हुए। हाई स्कोरिंग वेन्यू है, पिच सपोर्ट करेगी, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी देकर के चल सकते हो। प्लस कुछ ओवर्स की बॉलिंग भी करेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। प्लस कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी आप भी दे सकते हो। डेविड वार्नर भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वार्नर पर्नल प्ले नहीं करेंगे। तबरेज शमसी बहुत लेट बॉलिंग करने आएंगे आफ्टर फर्स्ट पावर प्ले। लुंगी एंगिडी भी यहाँ पर प्ले नहीं कर रहे हैं। मार्को जैनसन ने जरूर दो बॉल्स में इन्होंने एक बार आउट किया है। मानस लबुशेन भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बस तबरेज शमसी तो थोड़ा सा इन्हें संभाल कर बैट करना पड़ेगा एंड जब इनकी बैटिंग आती है तबरेज शमसी सामने से बॉलिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा देखने वाला बैटल रहेगा। 45 बॉल्स इन्होंने फेस किए, 49 रन स्कोर किए एंड दो बार अपनी विकेट दे चुके हैं। मिचेल मार्श वर्सेस वार्नर पर्नल प्ले नहीं करेंगे। रबाडा ने लास्ट मैच प्ले नहीं किया, 26 बॉल्स में टू टाइम्स आउट कर चुके हैं तबरेज शमसी। यहाँ पर आप देखोगे मिचेल मार्श की भी जब बैटिंग आएगी तो तबरेज शमसी सामने से बॉलिंग करा सकते हैं। टू टाइम्स इन्हें आउट कर चुके हैं। लुंगी एंगिडी ने एक बार आउट किया। एलेक्स कैरी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, स्मॉल लीग्स में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। क्विंटन डीकॉक वर्सेस जॉस हेजलवुड 88 बॉल्स में 6 टाइम्स आउट कर चुके हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया था जॉस हेजलवुड को। नाथन एलिस ने भी 11 बॉल्स में एक बार आउट किया है। मार्कस स्टोइनिस ने 7 बॉल्स में एक बार आउट किया है एंड ट्रेविस हेड ने भी 32 बॉल्स में एक बार आउट किया है। ट्रेविस हेड इस मैच में इन्हें परेशान कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ट्रेविस हेड ऑफ स्पिनर है एंड क्विंटन डीकॉक यहाँ पर लेफ्टी बैटिंग करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। हेनरी क्लासन वर्सेस एडम जंपा 56 बॉल्स में 2 टाइम्स आउट कर चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस ने इन्हें बहुत परेशान किया है, 8 बॉल्स में 3 टाइम्स आउट कर चुके हैं। रैसी वैंडरडुसन लास्ट मैच इन्होंने प्ले नहीं किया था। एडन मार्क्रम वर्सेस सीन अबाउट 20 बॉल्स में 2 टाइम्स आउट कर चुके हैं, बाकी मार्क्रम ने सभी प्लेयर्स को अच्छे से प्ले किया है। तेम्बा बभुमा भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इस वेन्यू पर बहुत ही एवरेज रिकॉर्ड्स रहे, आप चाहो यहाँ पर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेरी इस मैच की इनिशियल टीम के बारे में। सो फ्रेंड्स ये है मेरी इस मैच की इनिशियल टीम, जहां पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से क्विंटन डीकॉक को पिक किया है। आप चाहो यहाँ से हेनरी क्लासन के साथ भी जा सकते हो, लेकिन उनके वेन्यू पर एवरेज रिकॉर्ड्स रहे इसलिए फिलहाल मैंने पिक नहीं किया है। बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर बिकॉज मैंने आप देखोगे हाई स्कोरिंग वेन्यू है तो इसलिए 5 बैट्समैन को यहाँ पर पिक किया। मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मानस लबुशेन एंड रीजा हेंड्रिक्स। ऑलराउंडर सेक्शन से एडन मार्क्रम, मार्को जेंसन एंड मार्कस स्टोइनिस को पिक किया है। बॉलिंग सेक्शन से जॉस हेजलवुड एंड नाथन एलिस को मैंने पिक किया। कैप्टन फ्रेंड्स मैंने किया है डेविड वार्नर को, वाइस कैप्टन मैंने किया है मानस लबुशेन को। आप चाहो यहाँ से ट्रेविस हेड को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो एंड साथ ही यहाँ से एडन मार्क्रम भी एक बेस्ट सीवी से पिक हो सकते हैं। चाहो आप यहाँ से क्विंटन डीकॉक को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। सो यस गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही गाइस जैसा मैंने बताया फाइनल टीम्स एंड फर्दर अपडेट्स लाइक प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, सभी चीज़ें आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो याद से टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।